अभी तक हम बात कर रहे थे अबाउट द साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप बाई एफ डब्ल्यू टेलर अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द साइंटिफिक टेक्निक्स एफ डब्ल्यू टेलर ठीक है एफ डब्ल्यू टेलर ने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी दी थी फॉर द मैनेजमेंट उसमें से फर्स्ट टेक्निक थी फंक्शनल फोरमैनशिप अब बहुत सिंपल सा है ये पहले मैं आपको मेरे वर्ड्स में समझा देता हूं फिर हम रीड करेंगे एफडब्ल्यू टेलर ने कहा था कि हर ऑर्गेनाइजेशन में दो डिपार्टमेंट होनी चाहिए प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्यों सो दैट वर्कर्स प्योरली फोकस कर सके ऑन द प्रोडक्शन पार्ट उनके ऊपर प्लानिंग का बर्डन नहीं आना चाहिए वो टॉप लेवल मैनेजमेंट या फिर मैनेजर संभाल लेंगे ठीक है अगर आप वर्कर को दोनों डिपार्टमेंट दे दोगे तो वो प्लानिंग भी करेगा फिर वो प्रोडक्शन भी करेगा यानी दोनों ही जगह पे उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी तो इससे अच्छा है टेलर ने कहा कि आप दो डिपार्टमेंट क्रिएट कर दो और वर्कर्स का फोकस सिर्फ प्रोडक्शन पे होना चाहिए सिंपल अब इसके आगे टेलर ने कहा था कि हर डिपार्टमेंट के अंदर में अलग अलग फंक्शनल एक्सपर्ट होने चाहिए वो फंक्शनल एक्सपर्ट्स का काम क्या होगा अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वर्कर्स को गाइड करना अगर मैं एग्जैक्ट नंबर आपको बताऊं तो इन्होंने कहा था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट दोनों के अंदर में चार चार फोरमैन होने चाहिए फोरमैन का मतलब फंक्शनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए अब आप बोलोगे कि सर चार और चार यानी आठ एक्सपर्ट्स का क्या काम है तो एक बार हम हमारा चैप्टर रिवाइंड करते हैं और हम बात करते हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल के बारे में कौन से प्रिंसिपल के बारे में प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क हेनरी फ्योल ने क्या कहा था कि कोई भी इंसान सारा काम खुद नहीं कर सकता है ना कहा था ना उन्होंने कि काम को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना है अलग अलग क्वालिफाइड लोगों को उठाना है अलग अलग काम के लिए तो सेम चीज टेलर ने भी समझी अब टेलर ने क्या कहा कि दोनों डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग एक्सपर्ट्स हमें हायर करने हैं फोर एक्सपर्ट्स इन प्लानिंग डिपार्टमेंट और फोर एक्सपर्ट्स इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ठीक है अब इसके बाद में क्या होगा ये आठ बॉसेस जो होंगे ना ये हमारे वर्कर्स को गाइड करेंगे सिंपल है इसको बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप ठीक है अब एक बार रीड करते हैं इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिविजन ऑफ फैक्ट्री इनटू टू डिपार्टमेंट्स दो डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज टेलर फेल्स दैट वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग एंड दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन क्यों बनाने दो डिपार्टमेंट क्योंकि टेलर ने कहा कि भाई वर्कर्स के ऊपर प्लानिंग का बर्डन क्यों डालना है वर्कर्स को सिर्फ फोकस करने दो ऑन द प्रोडक्शन पार्ट क्योंकि वर्कर्स का काम ही यही होता है ना कि प्रोडक्शन करो सिंपल टू डेवलप स्पेशन इन द प्रोडक्टिविटी फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर ठीक है इन्होंने क्या कहा कि हमको हर डिपार्टमेंट के अंडर में अलग अलग फंक्शनल एक्सपर्ट्स को हायर करना है ये फंक्शनल एक्सपर्ट का काम क्या होगा अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वर्कर्स को गाइड करना सिंपल एज वन फोरमैन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्क सो टेलर स्ट्रेस्ड ऑन मिनिमम एट स्पेशलिस्ट और फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज एंड गिव ऑर्डर्स टू वर्कर्स जैसा मैंने आपको बोला कि सारे फोरमैन अपने अपने एरिया में स्पेशलाइज होंगे कोई एक बॉस या फिर कोई एक एक्सपर्ट हर एरिया में एक्सपर्ट नहीं हो सकता ठीक है तो ये आठ बॉस ये जो टोटल एट फोरमैन होंगे ना ये अपने अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के हिसाब से वर्कर्स को गाइड करेंगे सिंपल

ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेनरी फ्योल ने क्या कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क के हिसाब से कोई काम पूरा का पूरा काम कोई एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं डालना है ठीक है हमें काम को छोटे छोटे यूनिट्स यानी जॉब्स में डिवाइड करना है और उन जॉब्स के लिए हमें ऐसे लोगों को हायर करना है जो उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड क्वालिफाइड हो या फिर एक्सपीरियंस रखते हो सिंपल आगे टेलर सेड फोरमैन मस्ट बी इंटेलिजेंट एजुकेटेड एनर्जेटिक ऑनेस्ट स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशनल एक्सपर्ट ठीक है टेलर ने क्या कहा था टेलर ने कहा कि ये जो लोग होते हैं जो बॉस होते हैं फोरमैन होते हैं ये एक्सपर्ट होने चाहिए इंटेलिजेंट होने चाहिए ऑनेस्ट होने चाहिए और प्रोफेशनली एक्सपर्ट होने चाहिए ठीक है आगे ऑल दीज क्वालिटीज कैन नॉट बी फाउंड इन वन पर्सन सो टेलर स्ट्रेस्ड ऑन हैविंग मिनिमम एट एक्सपर्ट्स फोर अंडर ईच डिपार्टमेंट टू ऑर्डर एंड टू गाइड द वर्कर्स ठीक है टेलर ने क्या कहा था कि ये सारी क्वालिटीज आपको कोई एक पर्सन में नहीं मिलेगी तो उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला कि आठ अलग अलग बॉसेस को हम हायर करते हैं टोटल एट बॉसेस को हम हायर करते हैं चार इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड फोर इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट सिंपल अब आगे देखते हैं एक्चुअल फ्लो चार्ट कैसा होता है ये कौन से एट बॉसेस का काम क्या होता है और इनका नाम क्या होता है अगर हम फैक्ट्री मैनेजर की बात करते हैं या फिर फैक्ट्री की बात करते हैं तो फैक्ट्री के अंदर में दो डिपार्टमेंट हो गए प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ठीक है अब प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर में भी चार बॉस होंगे वन टू थ्री एंड फोर वहीं पे अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वहां पे भी चार बॉस होंगे वन टू थ्री एंड फोर और ये एट के एट बॉसेस मिलके किसको ऑर्डर करेंगे किसको गाइड करेंगे वर्कर्स को ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर वाले फोर फंक्शनल एक्सपर्ट की पहला एक्सपर्ट यानी पहला फोरमैन होता है हमारा रूट क्लर्क अब रूट हमें नाम से समझ में आ रहा है ठीक है रास्ता तो रूट क्लर्क का काम क्या होता है हमें स्टेप्स बताना किस चीज के स्टेप्स कोई भी मैकेनिकल या फिर मैनुअल वर्क अगर हमें करना है तो उसके क्या पर्टिकुलर स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं ये स्टेप्स फॉलो करने का जो रास्ता होता है ये जो स्टेप्स होता है ये हमें कौन बताता है रूट क्लर्क नाम से याद रखना रूट मतलब रास्ता यानी स्टेप्स तो मैकेनिकल या फिर मैनुअल वर्क करने के लिए जो स्टेप्स बताएगा वो बताएगा हमें हमारा रूट क्लर्क समझ में आया सेकेंड होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क नाम से समझ में आ रहा है इंस्ट्रक्शन देगा हमें ठीक है तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होता है जनरल जो भी जनरल काम होता है ना एक ऑर्गेनाइजेशन में वो काम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देना ठीक है थर्ड बॉस कौन सा होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क अब नाम से समझ में आ रहा है ये क्या करेंगे कोई भी काम को खत्म करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम और कॉस्ट डिसाइड करेंगे कि ये काम इतने टाइम में और इतने पैसों में हो जाना चाहिए फोर्थ डिसिप्लिनेरियन इनका क्या काम होगा इनका काम होगा ये इंश्योर करना कि जितने भी स्टेप्स बताए गए थे वो टाइम टू टाइम फॉलो हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम प्रॉपर मैनर में हो रहा है कि नहीं ये इंश्योर करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन है या नहीं एक बार वापस बताता हूं रूट क्लर्क का, का काम क्या होगा रूट यानी स्टेप्स डिसाइड करना कि कोई भी मैनुअल या फिर मैकेनिकल काम करने के लिए क्या पर्टिकुलर स्टेप्स वर्कर्स को फॉलो करने हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होगा कोई भी जनरल नेचर वाला अगर कोई काम है तो उसको कैसे करना है उस चीज के इंस्ट्रक्शन हमें देंगे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क थर्ड होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये क्लर्क का, का काम या फिर ये बॉस का, का काम क्या होगा कोई भी काम से रिलेटेड टाइम और कॉस्ट स्पेसिफाई कर देना कि इतने टाइम में और इतने कॉस्ट में ये काम हो जाना चाहिए और लास्ट होते हैं हमारे डिसिप्लिनेरियन इनका क्या काम होता है इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर स्टेप्स या फिर सिस्टमैटिक वर्किंग हो रही है या नहीं ठीक है अब हम बात करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट की यहां पे भी चार बॉस होते हैं फर्स्ट इज गैंग बॉस गैंग बॉस ठीक है कोई भी गैंग का बॉस अब आप कोई गैंग इमेजिन कर लो कोई गुंडे की गैंग है उनका बॉस का काम क्या होगा वेपन्स लेके आना ठीक है गन्स लेके आना तलवार लेके आना वही होता है गैंग बॉस गैंग बॉस का काम क्या होगा ये इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन में यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सारे रिसोर्सेज हैं सारे मशीन्स अरेंज करने का काम सारे रिसोर्सेज अरेंज करने का काम होगा हमारे गैंग बॉस का ठीक है इनका क्या काम हो गया रिसोर्सेस और मशीन को अरेन्ज करना ठीक है टाइम टू टाइम अरेंज करना सो दैट देर इज नो डिले इन द प्रोडक्शन सेकेंड स्पीड बॉस इनका क्या काम होगा ये इंश्योर करना कि काम मिनिमम टाइम में कंप्लीट हो जाए ठीक है स्पीड ठीक है वो इंश्योर क्या करेंगे कि काम मिनिमम टाइम में खत्म हो जाए थर्ड रिपेयर बॉस नाम से समझ में आ रहा है ये क्या इंश्योर करेंगे कि मशीन्स अगर कोई भी खराब हो जाती है तो उनको फटाफट रिपेयर करना है सो दैट अगेन प्रोडक्शन में डीले नहीं हो एंड लास्ट इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर का क्या काम होगा ये इंश्योर करना कि क्वालिटी प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड है सिंपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर में हमने पढ़े टोटल फोर बॉस फर्स्ट बॉस गैंग बॉस क्या काम था मशीन्स और रिसोर्सेस को अरेंज कर देना सो दैट प्रोडक्शन टाइमली हो जाए सेकेंड स्पीड बॉस ये इंश्योर करना कि कोई भी काम फटाफट टाइम में हो जाए थर्ड रिपेयर बॉस ये इंश्योर करना कि अगर कोई भी मशीन खराब हो जाती है तो फटाफट रिपेयर हो जाए सो दैट प्रोडक्शन में डिले नहीं हो एंड फोर्थ इंस्पेक्टर ये क्या इंश्योर करेंगे कि जो भी आउटपुट आ रहा है जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड क्वालिटी है सिंपल और eight eight न, ये एट के एट जो बॉस होंगे ना ये मिलके ऑर्डर करेंगे या फिर सुपरवाइज या फिर गाइड करेंगे हमारे वर्कर्स को सिंपल था फंक्शनल फोरमैनशिप एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एफ डब्ल्यू टेलर उन्होंने क्या बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन को आपको दो डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का दूसरा नाम ऑपरेशनल डिपार्टमेंट भी होता है इन्होंने क्या कहा था कि इसके बाद में हमको हर डिपार्टमेंट के अंडर में टोटल फोर बॉस चार इसमें और चार बॉस इसमें हमें हायर करना है क्यों क्योंकि ये सारे के सारे बॉसेस अलग अलग काम में एक्सपर्ट होंगे और ये सारे बॉस मिलकर हमारे वर्कर्स को गाइड करेंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर में टोटल फोर बॉस पहला कौन सा था रूट क्लर्क सेकेंड इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क थर्ड वॉस टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड द फोर्थ वन वॉज द डिसिप्लिनेरियन ठीक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देर आर फोर गैंग बॉस स्पीड बॉस रिपेयर बॉस एंड द इंस्पेक्टर समझ में आया ये चारों मिलके हमारे वर्कर्स को काम करने के लिए गाइड करेंगे यह था फंक्शनल फोरमैनशिप आप चलते हैं दूसरे साइंटिफिक टेक्निक के ऊपर लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड साइंटिफिक टेलर और यह साइंटिफिक टेक्निक का नाम क्या है standardization and simplification of work. नाम से समझते हैं सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हो सकता है हर चीज का हर आउटपुट का हर एक्टिविटी का एक स्टैंडर्ड सेट कर देना ठीक है हम बात कर रहे थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में और एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है और वो ये है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में हर चीज का हर बिजनेस एक्टिविटी का एक स्टैंडर्ड सेट करना बहुत जरूरी होता है तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज करते हुए एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि हमें एक और टेक्निक की जरूरत है दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है हर बिजनेस एक्टिविटी का या फिर आपके आउटपुट का एक टारगेट या फिर एक स्टैंडर्ड सेट कर देना अब ये स्टैंडर्ड किस चीज के बारे में होगा क्वालिटी ठीक है बट नहीं स्टैंडर्ड आपका सिर्फ क्वालिटी से रिलेटेड नहीं होता है ठीक है स्टैंडर्ड आपका क्वालिटी साइज टाइप मेजरमेंट ये सब चीजों से रिलेटेड भी होता है एफ डब्ल्यू टेलर ने यह कहा था कि अगर आपको आउटपुट में या फिर भले तो right ही फिर वो बाइंग द रॉ मटीरियल हो ठीक है या फिर बाइंग द मशीनरी हो या फिर आपका प्रोसेस हो इन सब चीजों का एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए ठीक है एफ डब्ल्यू टेलर ने यह भी कहा था कि ये जो स्टैंडर्ड होते हैं ना ये मैनेजर को मॉडर्न टेक्निक्स या फिर साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करके सेट करना चाहिए याद रखो मैनेजमेंट इज अ साइंस नॉट रूल ऑफ थम यानी मैनेजर को अपनी मर्जी से स्टैंडर्ड नहीं सेट करना है उसको साइंटिफिक मेथड यूज करने हैं। ठीक है थीके? या फिर उसको मॉडर्न टेक्निक्स यूज करने हैं कोई भी एक्टिविटी के स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए सिंपल है एक बार रीड करते हैं जमेंट ऑलवेज एम्फोसाइजेसनिंग स्टैंडर्ड रू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन मैंने आपको बताया साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है एवरी एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड सेट कर देगा ठीक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट यानी जो आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट है उसका स्टैंडर्ड ठीक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन राइट फ्रॉम सलेक्शन ऑफ टूल्स इक्विपमेंट एंड मशीन मैक्सिमाइज द आउटपुट बाई की क्वालिटी स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन कब पॉसिबल है इन्होंने क्या कहा जब आप शुरू से स्टैंडर्ड सेट कर दोगे अब शुरू से का क्या मतलब है वेन यू आर सेलेक्टिंग द टूल मशीन इक्विपमेंट्स आप जब ये सब चीजें भी सेलेक्ट कर रहे हो ना आपको हर एक्टिविटी में हर स्टेप पे आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना है और आपको क्या करना है यू हैव टू मैक्सिमाइज द आउटपुट यानी आपको प्रोडक्शन भी बढ़ाना है बट विथ कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मतलब आपको क्वालिटी नीचे नहीं जाने देना है स्टैंडर्ड यानी क्वालिटी कोई भी प्रोसेस में कोई भी स्टेप में कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए सिंपल स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी मैंने आपको बताया कि सिर्फ क्वालिटी की हम यहां पे बात नहीं कर रहे हैं बट इट रेफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड फॉर साइज टाइप वेट्स मेजर्स एक्सेट्रा आपका जो प्रोडक्ट है उसका साइज वेट मेजरमेंट टाइप ये सब कैसा होना चाहिए उन सब से रिलेटेड भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए इमेजिन करो कि आप कोई बिस्किट कंज्यूम कर रहे हो ठीक है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है ठीक है यानी ऑल द गुड इन्ग्रीडियंट्स आर यूज ठीक है एक बार आप पैकेट खरीदते हो उसमें आपको इतना बड़ा बिस्किट मिलता है नेक्स्ट टाइम आप पैकेट खरीदते हो उसमें इतना छोटा बिस्किट मिलता है थर्ड टाइम यू बाई द पैकेट तो इतना बड़ा बिस्किट मिलता है ये ब्रांड का कोई स्टैंडर्ड है नहीं है ना क्वालिटी सेम है बट साइज नहीं है ठीक है तो यह चीज याद रखना जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो सिर्फ क्वालिटी से रिलेटेड नहीं होता है स्टैंडर्डाइजेशन या फिर स्टैंडर्ड्स हमको सेट करने हैं आल्सो फॉर द साइज टाइप वेट मेजरमेंट एक्सेट्रा सिंपल आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू टेलर साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी सेलेक्टेड टू डेवलप द स्टैंडर्ड ये जो स्टैंडर्ड है ये सेलेक्ट या फिर सेट कैसे करना है हमें क्या लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू टेलर साइंटिफिक साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन यानी हमको यूज करने हैं टू सेट अ स्टैंडर्ड मैंने आपको क्या बताया था पहले भी हमें ये नहीं बोलना है कि मैनेजमेंट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थम मतलब कोई भी मैनेजर को अपनी मर्जी अपने विल के हिसाब से स्टैंडर्ड सेट नहीं करना है उसको साइंटिफिक मैथड यूज करने हैं टू सेट द स्टैंडर्ड ठीक है आगे टू स्टैंडर्ड द मैनेजर्स मस्ट मेक यूज ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक विच इंक्लूड्स टाइम स्टडी मोशन स्टडी एंड स्टडी इवन मॉडर्न टेक्निक्स सच एज केजन सिक्स सिग्मा एक्सेट्रा कैन बी यूज टू सेटअप स्टैंडर्ड क्या बोला गया है कि मैनेजर को अपनी मर्जी से स्टैंडर्ड नहीं सेट करना है मैनेजर को क्या यूज करने हैं साइंटिफिक मेथड कैसे साइंटिफिक मैथड जैसे कि हमारा टाइम स्टडी हो गया वर्क स्टडी हो गया मोशन स्टडी हो गया फटिक स्टडी हो गया एक्सेट्रा ये सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं और ये भी कहा गया है कि एक मैनेजर चाहे तो मॉडर्न टेक्निक्स का भी यूज कर सकता है मॉडर्न टेक्निक जैसे कि केजन सिग्मा एक्सेट्रा ये मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे ठीक है अभी तक के लिए हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि टेलर ने क्या कहा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में बिजनेस के हर स्टेप में हमें स्टैंडर्ड सेट करना है अब स्टैंडर्ड हमेशा हर एक्टिविटी पे सेट होगा जैसे सिलेक्शन ऑफ टूल्स मशीनरी एक्सेट्रा अब स्टैंडर्ड का मतलब सिर्फ क्वालिटी नहीं होता है जब हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की तो हमें साइज टाइप वेट मेजरमेंट सबसे रिलेटेड स्टैंडर्ड सेट करना है और हमने क्या पढ़ा कि मैनेजर को साइंटिफिक मेथड्स यूज करने चाहिए टू सेट द स्टैंडर्ड यानी मैनेजर को अपनी मर्जी से स्टैंडर्ड नहीं सेट करना है मैनेजर को क्या करने चाहिए साइंटिफिक टूल्स या फिर साइंटिफिक मेथड्स यूज करने चाहिए कैसे साइंटिफिक मेथड्स वर्क स्टडी मोशन स्टडी टाइम स्टडी एटसेट्रा इवन द मॉडर्न टेक्निक्स कैन आल्सो बी अडॉप्टेड जैसे कि केजन और सेक्सेग्मा समझना ये था स्टैंडर्डाइजेशन अब चलते हैं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन नाम से समझ में आ रहा है सिंपल कर देना एक्स्ट्रा जो भी वर्कलोड है ना उसको हटा देना ठीक है रीड करते हैं सिंप्लीफिकेशन एम्फोसाइज ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप्स सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या करना है कोई भी कंपनी अगर अननेसेसरी प्रोडक्ट्स बना रही है ना यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड भी नहीं है लेकिन फिर भी हम बनाए जा रहे हैं उनको रिमूव करो ठीक है ये तो हो गए अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात सिंप्लीफिकेशन में हम और क्या देखते हैं लेट्स है कि आप एक सोप बनाते हो ठीक है अब वो सोप बहुत हाईएस्ट सेलिंग सोप है ठीक है साबुन सोप की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? हाई सेलिंग एकदम लेकिन हम क्या करते हैं वो सोप के भी अलग अलग साइजेस बनाते हैं छोटा साइज मीडियम साइज बड़ा साइज फैमिली साइज ठीक है तो आपको क्या करना है आपको स्टडी करना है कि क्या ये चारों साइज नेसेसरी हैं? आप पता लगाते हो कि फैमिली साइज तो बहुत कम सेल होते हैं और स्मॉल साइज भी बहुत कम सेल होते हैं मीडियम और लार्ज साइज बहुत ज्यादा सेल होते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम क्या करेंगे ये स्मॉल और फैमिली साइज वाला जो सोप है ना उसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे ठीक है हमने क्या देखा हमने देखा कि सिंप्लीफिकेशन के अंडर में हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले तो अननेसेसरी प्रोडक्ट को ही रिमूव कर देते हैं अब जो प्रोडक्ट्स बचे हैं उसमें भी हम देखते हैं कि क्या हम कोई अननेसेसरी फ्लेवर या फिर कोई अननेसेसरी टाइप या फिर कोई अननेसेसरी साइज दे रहे हैं क्या अगर हमें पता चलता है कि ये साइज या फिर ये टाइप या फिर ये फ्लेवर अननेसेसरी है यानी कंज्यूमर इसको पसंद नहीं करते हैं तो हमें क्या करना है वो टाइप वो साइज और वो फ्लेवर के प्रोडक्ट को रिमूव कर देना है ठीक है आगे एज मोर वेराइटी मोर इन्वेंटरी मोर टाइप ऑफ मशीनरी मोर लेबर कॉस्ट एक्सेट्रा क्यों करना है हमें ये चीज आप इमेजिन करो कि आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हो उसमें भी इतने इतने, इतने फ्लेवर इतने इतने साइज बना रहे हो यानी आपको ज्यादा मशीन चाहिए ज्यादा लेबर चाहिए ज्यादा मार्केटिंग कॉस्ट लगेगा आपका सब कुछ ज्यादा है ठीक है तो क्यों मतलब क्या मतलब ये सब चीजें बनाने का जब सेल ही नहीं हो रहे हैं जब इतने डिमांडेड प्रोडक्ट्स ही नहीं है ने, तो इन्हें रिमूव करो क्यों करना है रिमूव क्योंकि टेलर ने बोला कि अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाओगे तो ज्यादा स्पेस चाहिए ज्यादा इन्वेंटरी यानी ज्यादा स्टॉक चाहिए आपको ज्यादा लेबर चाहिए सारा का सारा कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा ठीक है आगे बाय सिंप्लीफाइंग द टास्क देयर कैन बी इकोनॉमी इन यूज ऑफ मशीन लेबर इन्वेंटरी मेंटेनेंस एक्सेट्रा अब इकोनॉमी इन यूज का क्या मतलब होता है सस्ता हो जाना ठीक है तो टेलर ने क्या कहा कि अगर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे ठीक है तो सिंप्लीफिकेशन से क्या होगा आपके सारे के सारे कॉस्ट कम हो जाएंगे आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट यानी स्टॉक मैनेजमेंट भी आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा मशीन पहले आप दस मशीन को यूज करते थे अब अगर आपने प्रोडक्ट्स और साइज ही रिमूव कर दिए तो हो सकता है शायद आपके में काम हो रहा हो ठीक है तो वापस आपका कॉस्ट कम आ गया लेबर ठीक है पहले आप सौ लेबर से काम कराते थे अब शायद आपने चार प्रोडक्ट रिमूव कर दिए तो अब शायद आपको सिर्फ सिक्सटी लेबर चाहिए तो लेबर कॉस्ट भी कम हो गया ठीक है आगे इट विल ऑल्सो हेल्प इन इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट कॉस्ट तो रिमूव करना मैंने आपको बता दिया कि कॉस्ट कैसे रिमूव होगा क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी पहले एक कंपनी दस अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में सोचती थी ठीक है जो अननेसेसरी थे वो दस में से शायद चार या पांच प्रोडक्ट तो अननेसेसरी थे अब क्या कर दिया हमने हमने ये अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को रिमूव कर दिया तो अब कंपनी की जो मार्केटिंग टीम या फिर जो सेल्स टीम है उसके पास में चार या पांच ही प्रोडक्ट बचे सेल करने के लिए साथ में जो प्रोडक्शन टीम है उसके पास में भी सिर्फ चार या पांच ही प्रोडक्ट बचे प्रोड्यूस तो अब क्या होगा दे विल थिंक अबाउट इट पहले क्या हो रहा था सब प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे थे भले ही वो नेसेसरी हो या फिर वो अननेसेसरी हो अब क्या कर रही है हमारी प्रोडक्शन टीम हमारी मार्केटिंग टीम हमारी सेल्स टीम क्या कर रही है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट on तो जब हम इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे तो हम उसके बारे में सोचेंगे हम नए नए इनोवेशन लाएंगे हम कोशिश करेंगे कि उनका क्वालिटी कैसे भी करके हम इंप्रूव करते रहें सिंपल तो ये होता है सिंप्लीफिकेशन आप देखते हैं कि वॉट आर द ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन लिखा हुआ है अब फर्स्ट इज टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो अननेसे है उनको रिमूव करो और अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है उसको फिक्स कर दो फिक्स इन नंबर टाइप साइज एक्सेट्रा मतलब अननेसेसरी प्रोडक्ट को भी रिमूव करो अननेसेसरी साइज टाइप सबको रिमूव कर दो पहले क्या था बहुत डाइवर्सिफाइड था हमारे पास में रेंज जो थे ना प्रोडक्ट्स के इट वाज डाइवर्सिफाइड सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में हमने क्या किया वो डाइवर्सिफाइड साइज को हमने थोड़ा सा कम कर दिया फिक्सड टाइप पे हम लोग ले आए फिक्सड टाइप फिक्सड साइज एंड फिक्सड कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है नेक्स्ट टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्यूफेक्चर्ड पार्ट एंड आउटपुट अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस अब क्या है देखो अब हमारे पास में ब्रांचेस बहुत ज्यादा नहीं है प्रोडक्ट बहुत सारे नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं मशीन ज्यादा एलोकेट कर सकते हैं रिसोर्सेस ज्यादा एलोकेट कर सकते हैं इमेजिन करो कि पहले आपके पास में हंड्रेड लेबर्स थे या फिर हंड्रेड मशीन्स थी चलो और आपके पास में टेन प्रोडक्ट्स थे तो ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट को आपने टेन मशीन्स एलोकेट कर दी थी अब हो सकता है उसमें से तीन या चार या पांच प्रोडक्ट तो अननेसेसरी थे फिर भी मशीन्स एलोकेटेड है वहां पे और जो प्रोडक्ट बहुत हाईली डिमांडेड है उनके पास में मशीन्स कम पड़ रही थी अब क्या किया आपने सिंप्लीफिकेशन कर दिया दैट मीन्स अननेसेसरी प्रोडक्ट को आपने रिमूव कर दिया तो अब आपके लेट से चार या पांच मशीन तो फ्री हो गए या फिर ज्यादा मशीन्स फ्री हो गए आपने हर प्रोडक्ट को टेन मशीन दिए थे तो लेट्स आपने फोर प्रोडक्ट्स ही रिमूव कर दिए दैट मीन आपकी फोर्टी मशीन फ्री हो गई 40 लेबर्स आपके फ्री हो गए तो अब क्या होगा ये मशीन्स और लेबर को आप लोग मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट को असाइन कर सकते हो ठीक है ये भी एक एडवांटेज हुआ ऑब्जेक्टिव हुआ ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क थर्ड इज टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमने स्टैंडर्डाइजेशन में पढ़ा था कि हमको क्वालिटी सेट करना है हमारे आउटपुट का इससे क्या होगा हमारा ब्रांड नेम इंक्रीज होगा एंड लास्ट इज टू सेफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन हमको सिर्फ हमारे आउटपुट का स्टैंडर्ड नहीं सेट करना है हमारे मेन को कैसे काम करना है यानी हमारे ह्यूमन रिसोर्स कैसे काम करने वाला है और हमारी मशीन का आउटपुट कैसा निकलने वाला है ये सबका भी हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट कर देंगे तो दीज वर देशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क नाउ लेट्स गो टू दर्ड टेक्निक हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक टेक्निक गिवन बाई एफ डब्लू टेलर अभी तक हमने दो टेक्निक्स देख ली अब शुरू करते हैं थर्ड टेक्निक दैट इज द वर्क स्टडी अभी तक हमने एफ डब्ल्यू टेलर की जितनी भी वीडियोस देखी है ना उसमें बार बार कहीं ना कहीं वर्क स्टडी वर्क स्टडी फर्टीक स्टडी मोश, मोशन स्टडी टाइम स्टडी ये सब कुछ आया है मैं आपको बार बार बोलता रहता था, था इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे अब वो टाइम आ गया नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क स्टडी वर्क स्टडी एक ऐसी टेक्निक है जो एफ डब्ल्यू टेलर ने दी थी जो मैनेजर्स को हेल्प करेंगे साइंटिफिक डिसीजन लेने में ठीक है अभी क्या होता है वर्क स्टडी वर्क स्टडी को फोर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है फर्स्ट इज फटीक स्टडी सेकेंड इज मेथर्ड स्टडी थर्ड इज टाइम स्टडी एंड द फोर्थ वन इज मोशन स्टडी ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द फटीक स्टडी ठीक है फटीक मतलब क्या होता है थक जाना ठीक है थक जाना ठीक है तो यहां पे एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था यहां पे एफडब्ल्यू टेलर ने कहा था कि जब भी कोई एम्प्लॉय या वर्कर काम करता है ना तो वो थोड़ी देर में थक जाता है फिर उसकी एफिशिएंसी ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है ऑब्वियसली हम भी कंटिन्यूसली पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी थक जाते हैं माइंड थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है कि यार बहुत पढ़ाई पढ़ाई हो गई वी नीड अ ब्रेक है ना सिमिलरली एम्प्लॉयज को भी ब्रेक की जरूरत होती है तो एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि ये जो एम्प्लॉयज के ब्रेक होंगे ना ये किस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि एम्प्लॉयज या वर्कर्स को ब्रेक कब मिलना चाहिए एक तो होता है रूल ऑफ थंब यानी मैनेजर अपनी मर्जी से बोल देगा कि चलो ब्रेक ले लो ठीक है ये नहीं होना चाहिए ठीक है साइंटिफिक मैनेजमेंट में जब भी हम एफ डब्ल्यू टेलर की बात करेंगे ना तो वो रूल ऑफ थर्म को डिस्कार्ड करते हैं वो क्या बोलते हैं कि रूल ऑफ थम के हिसाब से नहीं चलना चाहिए कोई भी मैनेजर को या कोई भी मैनेजमेंट को तो फिर क्वेश्चन ये होता है कि ये रेस्ट के जो इंटरवल्स होंगे ये डिसाइड कैसे होंगे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड मतलब यहां पर डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था यहां पर डब्ल्यू टेलर ने मैनेजर्स को कहा था कि आप एम्प्लॉइज को या फिर वर्कर्स को ऑब्जर्व करो उनको देखो कि वो कितनी देर काम करते हैं उसके बाद में वो थकना कब शुरू होते हैं उनकी एफिशिएंसी ड्रॉप होना कब शुरू होती है जैसे ही आपको ऐसा लगे कि वर्कर्स की एफिशिएंसी ड्रॉप हो रही है उनको एक ब्रेक दे दो ठीक है थोड़ी देर का ब्रेक दो उसके बाद में वापस काम कराओ फिर वापस ब्रेक दो फिर वापस काम कराओ ठीक है ये तो हो गया बेसिक एक्सप्लेनेशन अब रीड करते हैं पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड वेन ही इज परफॉर्मिंग अब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देर इज ऑलवेज नीड ऑफ रेस्ट इंटरवल्स ठीक है हमको हमेशा रेस्ट चाहिए क्योंकि अगर हम, कोई काम करते हैं, हम थक जाते हैं हम भागते हैं कंटिन्यूअसली तो हम थक जाते हैं हम पढ़ते हैं तो थक जाते हैं क्रिकेट खेलते, -खेलते थक जाते हैं वी ऑलवेज नीड अ ब्रेक ठीक है टेलर सजेस्टेड the द period and frequency of rest interval should not be decided by the wish and experience of manager but to give a scientific approach फटीक स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड यहां पे क्या बोला गया है है कि ये जो है ये जो रेस्ट इंटरवल होता ना कोई भी मैनेजर अपनी विश या अपनी मर्जी से नहीं देगा कैसे देगा कैसे स्टडी करेंगे तो ये रेस्ट इंटरवल का ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी ये सब कैलकुलेट करने के लिए हमें फटीक स्टडी को कंडक्ट करना पड़ेगा तो फटीक स्टडी होता क्या है To conduct fatigue study, Taylor suggested to observe an average worker when he is performing a job and note down the time when that worker starts getting tired and when his efficiency level starts decreasing. तो यहां पे टेलर ने क्या कहा कि कोई भी मैनेजर को अपने वर्कर को ऑब्जर्व करना चाहिए एवरेज वर्कर को एकदम खराब वर्कर को भी नहीं ऑब्जर्व करना है टॉप वाले वर्कर को भी नहीं ऑब्जर्व करना है एवरेज वर्कर, एवरेज वर्कर लाइक ह्यूमन बीइंग को आपको ऑब्जर्व करना है आप देखो कि वो बंदा कितनी देर काम करता है फिर वो थकने लग जाता है उसकी एफिशियंसी कब ड्रॉप हो रही है लेट से दो घंटे अगर वो कंटिन्यूअसली काम करता है फिर वो थकना शुरू हो जाता है तो ये नोट डाउन कर लो ठीक है फिर क्या करना है देन गिव हिम ब्रेक उसको क्या देना है दो घंटे के बाद में अगर वो थक रहा है तो दो घंटे के बाद में उसको एक ब्रेक दे दो ठीक है दिस टाइम कैन बी नोटेड टू डिसाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स एंड ड्यूरिंग ब्रेक आफ्टर हाउ मच टाइम द वर्कर बिकेम फ्रेश टू रिजॉइन द वर्क कैन बी द टाइम फॉर रेस्ट इंटरवल तो ये स्टडी करने से हमको क्या मिलेगा हमको पता चलेगी फ्रीक्वेंसी कि, कि कितनी बार ब्रेक देना पड़ेगा कितनी देर के बाद में ब्रेक देना पड़ेगा साथ ही साथ ये स्टडी में आप ये भी नोट डाउन कर लो कि उसको कितनी देर का ब्रेक चाहिए ठीक है उसको एनर्जी वापस रीगेन करने में कितना टाइम लग रहा है लेट्स से कि उसको टेन मिनट्स का ब्रेक चाहिए आपने एक वर्कर को ऑब्जर्व किया आपने देखा कि वो दो घंटे काम करता है फिर वो थक जाता है तो आपने क्या किया उसको एक ब्रेक दे दिया ब्रेक कितनी देर का

ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स कितनी देर का ब्रेक चाहिए टेन मिनट्स का ठीक है एक ब्रेक दस मिनट का होना चाहिए तो क्या पता चला टोटल नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स कितने चाहिए थ्री और एक ब्रेक यानी एक रेस्ट इंटरवल कितनी देर का होना चाहिए टेन मिनट्स का थर्ड क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स मतलब कितनी कितनी देर में चाहिए ये लट से आपने पता किया कि हर दो घंटे के बाद में एक ब्रेक चाहिए ठीक है हर दो घंटे के बाद में एक ब्रेक कितनी देर का टेन मिनट्स का फिर टू आवर्स वर्क करेगा फिर एक ब्रेक कितनी देर का टेन मिनट्स का फिर टू आवर्स वो वर्क करेगा फिर एक ब्रेक कितनी देर का टेन मिनट्स का समझ में आया तो ये स्टडी हम क्यों करते हैं सो दैट एक मैनेजर को पता चले कि वॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स रिक्वायर्ड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स रिक्वायर्ड एंड एंडर्ड वन इज वॉट आर द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स रिक्वायर्ड सिंपल था फटीक स्टडी हमने देख लिया अब चलते हैं सेकेंड स्टडी ये भी वर्क स्टडी के अंडर में ही आता है तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो स्टडी के बाद में दूसरा स्टडी होता है हमारा मेथड स्टडी अब नाम से समझ में आ रहा है मेथड स्टडी यानी एक ऐसी स्टडी जो हमें मेथड बताती है मेथड किस चीज का ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अब मेथड का मतलब क्या होता है तरीका ठीक है तो टेलर ने क्या कहा था टेलर ने कहा था कि मेथड स्टडी हमें कंडक्ट करनी है टू फाइंड आउट द बेस्ट वे टू डू समथिंग इन ऑर्गेनाइजेशन यानी काम करने का बेस्ट तरीका आप ढूंढो अच्छा बेस्ट तरीका मतलब क्या होता है एक ऐसा तरीका जिसमें कम से कम पैसा लगे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मिनिमम कॉस्ट हो और मैक्सिमम आउटपुट हो ठीक है ये होता है मेथड स्टडी अब ये जो स्टडी होती है ना ये रूल ऑफ थम के हिसाब से नहीं चलनी चाहिए हमें पता करना है एग्जांपल लेते हैं आप आपके घर पे हो ठीक है और एक फ्रेंड आता है अब आप दोनों को एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचना है और आपके पास से एक्टिवा है या कोई बाइक है या फिर कोई कार है ठीक है अब आप क्या करते हो आप सबसे पहले पता लगाते हो या सोचते हो कि वहां तक पहुंचने का सबसे ईजीएस्ट वे कौन सा है ईजीएस्ट वे मतलब जिसमें टाइम भी कम लगे और जिसमें लेट से रास्ता भी क्लियर हो सो दैट आपका ज्यादा पेट्रोल भी वेस्ट नहीं हो तो ये जो तरीका होता है ये आप बैठ के ऐसे गूगल मैप्स मन में तो बनाओगे नहीं आप क्या करोगे आप वही रास्ते सोचोगे ना जिसपे आप पहले जा चुके हो आप बोलोगे नहीं ये वाला रूट लेंगे तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा और ट्रैफिक भी मिलता है हमेशा ठीक है फिर आपका फ्रेंड बोलेगा वो वाले रास्ते से चलते हैं तो आप सोचो कि आप बोलोगे हाँ वहां पे ये टाइम में ट्रैफिक भी नहीं मिलता है तो ये क्या ये आपके विल एंड विश के हिसाब से नहीं है आपके साइंटिफिक मेथड के हिसाब से यानी आप वो चीज पहले कर चुके हो ठीक है रीड कर दें एक बार क इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब्स विच कीप्स प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम एंड मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसा तरीका ढूंढना है हमें जिसमें कॉस्ट कम से कम लगे और ऑप्टिम यूटिलाईजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो यानी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो ठीक है टेलर सजेस्टेड दैट मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय रूल ऑफ थम बट ऑल द मेथड मस्ट बी ट्राइड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वन विच ब्रिंग्स मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट मस्ट बी सेलेक्टेड मैंने आपको क्या बताया रूल ऑफ यानी विल एंड विश ऑफ द मैनेजर के हिसाब से ये मेथड सेलेक्ट नहीं होना चाहिए तो हमें कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है ऐसा मेथड जो हम ट्राई कर चुके हैं पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और, और वो मेथड से बेस्ट रिजल्ट आ रहा है बेस्ट रिजल्ट मतलब मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है ठीक है टू डिटर्माइन द बेस्ट वे देर आर सर्ट इन पैरामीटर्स राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटीरियल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड अब पैरामीटर का मतलब क्या होता है कुछ स्टैंडर्ड ठीक है वापस वही एग्जाम्पल पे चलते हैं कि आपको एक जगह पे पहुंचना है अब आप लोग ये तो कंसिडर करते हो ना कि हमको कितना टाइम लगेगा कितना ट्राफिक मिलेगा अब ऐसा तो है नहीं गाड़ी के सामने जो आएगा उसको उड़ाते हुए चले जाएंगे नहीं अफकोर्स नॉट तो आपका भी एक पैरामीटर है ठीक है कि हमें लोगों को नहीं मारना है ठीक है हमें सेफली पहुंचना है हम भी सेफली पहुंच जाए रास्ते में जो लोग मिलेंगे वो भी सेफ रहेंगे भैया उड़ाते हुए जाना है तो तो कोई भी रास्ता ले लो ठीक है तो कुछ पैरामीटर्स आपके भी होते हैं सिमिलरली पैरामीटर्स एक ऑर्गेनाइजेशन को भी डिसाइड करना होता है ठीक है अब ये पैरामीटर राइट फ्रॉम बाइंग द रॉ मटीरियल से शुरू होता है एंड इट एंड वेन द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड नेक्स्ट टेलर डेवलप द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग द मेथड स्टडी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड कस्टमर सैटिस्फेक्शन क्या ऑब्जेक्टिव है मैथड स्टडी का बार बार कह रहा हूं कि ऐसा मेथड डूना जिसमें कॉस्ट कम हो और हमारा आउटपुट बढ़े क्वालिटी बढ़े और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज हो ठीक है आगे क्या लिखा हुआ है फॉर्ड मोटर्स यूज दिस कंसेप्ट वेरी सक्सेसफुली तो एक एग्जाम्पल भी हमें मिल गया और वो एग्जाम्पल कौन है मेथड स्टडी को यूज किया था टू ब्रिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द टॉप ये चीज हम याद रखेंगे ठीक है आप चलते हैं थर्ड स्टडी के ऊपर दैट इज टाइम स्टडी नाउ थर्ड स्टडी इज द टाइम स्टडी अब नाम से समझ में आ रहा है वापस हमें कि यहां पर हमें एक एवरेज टाइम ढूंढना है टू कंप्लीट द वर्क ठीक है टेलर ने क्या कहा था टेलर ने कहा था कि हर काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए कि ये काम इतनी देर में खत्म हो जाना चाहिए अगर आप लोग अपनी बुक्स देखते हो ना कोई भी रेफरेंस बुक अगर आप लोग देखते हो उसमें इंडेक्स के पास में कोई एक पेज होता है जहां पे लिखा होता है कि यह चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है और इसको खत्म करने के लिए कितने पीरियड्स चाहिए यानी यहां पे भी हमारे पास में टाइम है कि यह चैप्टर को खत्म करने का स्टैंडर्ड टाइम लेट से थ्री पीरियड्स है या फाइव पीरियड है ठीक है तो यही चीज टेलर ने कही थी कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई भी काम कराना है ना उसका एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए अब ये टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होंगे रूल ऑफ थम ना ऑफ कोर्स नॉट टेलर को तो एकदम नफरत थी रूल ऑफ थम से ठीक है तो टेलर ने क्या कहा यहां पे भी एक साइंटिफिक मेथड हमें यूज करना है टू फाइंड आउट द टाइम ठीक है अब ये मेथड कौन सा होगा टेलर ने कहा था कि एक मैनेजर को स्टॉप लेके बैठना चाहिए नहीं, सीरियसली serious. उन्होंने यही कहा था कि एक स्टॉप वॉच लेके बैठो और ऑब्जर्व करो कि एक वर्कर को कितना टाइम लगता है एक काम खत्म करने में लेट्स से उसने काम शुरू किया तो स्टॉप वॉच चालू करो फिर उसने जैसे ही काम खत्म किया स्टॉप वॉच को बंद कर दो तो आपको टाइम पीरियड मिल गया कि एक वर्कर को कितना टाइम लगता है अब आप बोलोगे सर वो तो वर्कर हो सकता है कि बहुत पावरफुल हो तो जल्दी काम कर दे लेजी होगा तो कम टाइम कम ज्यादा टाइम लगेगा उसको काम करने में ठीक है पॉसिबल है तो टेलर ने क्या कहा था यही प्रोसेस को एक मैनेजर को हंड्रेड टाइम्स करना है मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ अलग अलग वर्कर्स को ऑब्जर्व करो हंड्रेड डिफरेंट वर्कर्स को ऑब्जर्व करो और सबका एवरेज टाइम पीरियड लिखो हो सकता है किसी ने पांच मिनट लिया हो किसी ने सेवन मिनट्स लिया हो किसी ने सिक्स मिनट्स लिया हो किसी ने टेन मिनट्स लिया हो तो सबका टोटल करके उसका एक एवरेज निकाल दो कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन को लेट से सिक्स मिनट्स लगते हैं काम करने में तो स्टैंडर्ड टाइम क्या हो गया उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए सिक्स मिनट्स में आया एक बार रीड करते हैं

Taylor suggested to observe an average worker when he is performing the job with a stopwatch in hand and note down the average time taken by the worker in completion of job. क्या करना है स्टॉप वॉच लेके बैठना है और टाइम को नोट डाउन करो कि ये एवरेज वर्कर को काम करने के लिए कितना टाइम लगा ठीक है Taylor suggested to repeat the same observation for 100 times and then take out the average time. क्या करना है हंड्रेड से टाइम सेम चीज करनी है एक मैनेजर को फिर उसके बाद में एक एवरेज टाइम पीरियड ढूंढना है ठीक है अब देखो क्या लिखा हुआ है आगे दिस टाइम शुड बी कंसिडर्ड द एवरेज टाइम टू परफॉर्म द जॉब ठीक है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब मतलब ये जो टाइम निकला है एवरेज टाइम ये एक स्टैंडर्ड टाइम है ये काम करने के लिए यानी कि जो भी वर्कर लेट्स से कि आपका स्टैंडर्ड टाइम निकला है सिक्स मिनट्स तो जो भी वर्कर सिक्स मिनट्स में काम कर रहा है वो एक एवरेज वर्कर है ठीक है जो वर्कर छह मिनट से जल्दी काम कर रहा है वो आपका एफिशिएंट वर्कर हो गया और जो भी वर्कर छह मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है वो इनएफिशिएंट वर्कर हो गया ठीक है आगे क्या लिखा है कीपिंग दिस टाइम इन माइंड द टारगेट फॉर वर्कर्स शुड बी फिक्स्ड एंड द वर्कर्स हु आर एबल टू अचीव देयर टारगेट्स इन स्टैंडर्ड टाइम आर एवरेज वर्कर्स जो भी वर्कर्स स्टैंडर्ड टाइम में काम कर रहे हैं सिक्स मिनट्स का सिक्स मिनट्स में काम कर रहे हैं वो आपके एवरेज वर्कर हैं

द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब यह पता करना कि एक्चुअली में एक जॉब को करने के लिए कितना टाइम चाहिए सेकेंड इज सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स वर्कर्स को एक लिमिट देना कि इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ठीक है थर्ड डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब आपको यह भी पता चल जाएगा कि ये काम करने के लिए कितने लोग चाहिए हमें एंड द फोर्थ वन इज कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन एफिशियंट एंड इन एफिशियंट कैटेगरी मतलब यहाँ पे हमको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा वर्कर एवरेज है कौन सा एफिशियंट है और कौन सा इन एफिशियंट है ठीक है तो इन एफिशियंट वालों को या तो हम ट्रेन कर सकते हैं या तो फिर उनको बाय बाय कर सकते हैं सिंपल है ये थी टाइम स्टडी अब चलते हैं लास्ट स्टडी पे दैट इज द मोशन स्टडी नाउ द फोर्थ स्टडी इज द मोशन स्टडी अब मोशन वर्ड से हमें क्या समझ में आता है जब भी हम बात करते हैं मोशन की समथिंग इज इन मोशन का मतलब होता है मूवमेंट कोई चीज मूव कर रही है तो मोशन स्टडी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स अब ये कैसी स्टडी है थोड़ी सी वियर्ड है आई नो बट लास्ट में मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा या फिर बीच में ही दे दूंगा जिससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि ये स्टडी क्यों कंडक्ट करी गई थी सबसे पहले समझते हैं कि टेलर ने क्या बोला था टेलर ने ये कहा था कि कोई भी वर्कर जब काम कर रहा होता है ना तो वो मूव करता है आपने मुझे भी देखा होगा कभी मैं ये पेन के साथ में खेलता रहता हूँ आई मूव हेयर एंड देयर ठीक है जब हमारी रिकॉर्डिंग्स खत्म हो जाती है तो वे सेट डाउन वी ड्रिंक वाटर वी डू डिफरेंट मूवमेंट्स ठीक है सिमिलरली अगर कोई भी आप एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करते हो तो वो डेस्क पे काम करेगा फिर वो ऐसे ऐसे करके स्ट्रेचिंग करेगा पानी पीने के लिए उठेगा सब कुछ करेगा टॉयलेट जाएगा ही विल डू डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस ठीक है अब टेलर ने ये कहा था कि एक मैनेजर को क्या करना चाहिए मैनेजर को एक पेन और पेपर लेके बैठना चाहिए और कितने मूवमेंट्स या फिर कितनी बार मोशन कर रहा है एक वर्कर वो उसको लिखना चाहिए कि अभी वो पानी पीने के लिए उठा वो टॉयलेट जाने के लिए उठा फिर उसने क्या किया वो स्टेपलर लेने के लिए खड़ा हुआ था फिर वो प्रिंटर के पास में गया उसने जेरोक्स कराया ब्ला, 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 ब्ला सो मेनी एटसेट्रा 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 अब क्या करना है यही चीज हंड्रेड टाइम्स ऑब्जर्व करनी है फॉर हम हंड्रेड डिफरेंट वर्कर्स जो सेम चीज हमने करी थी टाइम स्टडी में ठीक है कि हमने हंड्रेड टाइम्स ऑब्जर्व किया था यहां पे भी हम लोग हंड्रेड डिफरेंट वर्कर्स को ऑब्जर्व करेंगे और उन सब के हम लोग मोशंस को लिखेंगे फिर हम क्या करेंगे हम क्लासीफाई करेंगे कि इनमें से कौन से मोशन अननेसेसरी थे या फिर अनप्रोडक्टिव थे और कौन से मोशन प्रोडक्टिव थे और बाद में एक मैनेजर को क्या करना चाहिए ये जो अनप्रोडक्टिव थे ना इनको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए एक एग्जाम्पल देता हूं ठीक है कि एक मैनेजर है वो क्या करता है वो एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करता है अब बहुत सारे कागज होते हैं पेपर होते हैं कोई भी ऑफिस में ठीक है अब जो स्टेपलर्स वगैरह है ना वो एक पर्टिकुलर डेस्क पे पड़े रहते हैं स्टेशनरी डेस्क है ऑफिस में एक वहां पे पड़े रहते हैं तो कोई भी एम्प्लॉय को जब भी स्टेपल करना होता है वो अपने डेस्क से खड़ा होता है सारे पेपर लेके जाता है वहां पे जाता है स्टेपल करता है फिर वापस आता है मूवमेंट हुआ ये एक ठीक है ऐसे ही सारे एम्प्लॉयज करते हैं सारे एम्प्लॉइज अपने डेस्क में से खड़े होते हैं पेपर को ऐसे शफल करते हैं फिर उसके बाद में स्टेपल करके वापस आते हैं बैठते हैं ठीक है तो ये एक मूवमेंट हुआ अब आप डिसाइड करो कि ये एक प्रोडक्टिव मूवमेंट है या फिर ये एक अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है अगर मैं एक मैनेजर हूं ना तो मेरे हिसाब से दिस इज एन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट अब इसको मिनिमाइज कैसे करूंगा मैं हो सकता है कि मैं हर टेबल पे एक स्टेपलर दे दूं इससे क्या होगा टाइम वेस्ट होना कम होगा ठीक है अब उनको उठ के वहां तक जाके स्टेपल करके वापस आके बैठने की जरूरत नहीं है दे कैन सिंपली स्टेपल विदाउट इवन गेटिंग अप ठीक है तो क्या किया मैंने मैंने नोट डाउन किया कि कितने लोग मूवमेंट्स करते हैं कितनी बार मूवमेंट्स करते हैं फिर मैंने यह देखा कि यह जो मूवमेंट है यह प्रोडक्टिव है या फिर यह अनप्रोडक्टिव है अब मेरे हिसाब से दिस वॉज एन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट तो मैंने क्या किया मैंने उसको स्टेपलर को वहीं पे असाइन कर दिया हर एम्प्लॉय को तो क्या हुआ एलिमिनेट हो गया एक अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ठीक है अब रीड करते हैं To conduct motion study, Taylor suggested to observe an average worker when he is performing the job and note down all the movements he is doing. यानी क्या करना है? एक पेन और पेपर लेके बैठना है मैनेजर को लिखने की कि कितनी बार movements करता है? How many times he is getting up from his place? उ मेनी टाइम्स ही इज बेंडिंग डाउन एक्सेट्रा रिपीट इट फॉर हंड्रेड टाइम्स विद डिफरेंट वर्कर्स अब हंड्रेड डिफरेंट वर्कर्स को ऑब्जर्व करना है कि वो कितनी बार उठते हैं बेंड करते हैं वॉशरूम जाते हैं स्टेपलर के पास जाते हैं जो भी करते हैं ठीक है आफ्टर राइटिंग ऑल द मूवमेंट्स क्लासिफाई देम इन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स अब आपको क्या करना है क्लासीफाई करना है कौन से मूवमेंट्स प्रोडक्टिव थे कौन से मूवमेंट्स अनप्रोडक्टिव थे ठीक है एंड मेक द स्ट्रेटजी टू कट डाउन और मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट एज अ मैनेजर आपका काम क्या होगा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कट डाउन करना ठीक है टेलर एंड इज एसोसिएट फ्रैंक गैलीबर्थ

एटीन मूवमेंट्स को रिमूव कर दिया अब कितने बचे थे ओनली ठीक है टेलर रिमूवलीटेड इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी बाई फोर टाइम्स बाई दिस प्रोसेस टेलर ने जब ये प्रोसेस ये टेक्निक को इंप्लीमेंट किया था तो उन्होंने क्या देखा था कि प्रोडक्टिविटी फोर टाइम्स से इंक्रीज हुई है ठीक है ज कंडक्टेड टू फाइंड आउट अब क्या क्या पता चलता है हमें इस टेक्निक को यूज करके फर्स्ट टू डिटरमाइन द मूवेंट ऑफ वर्क वेन दे आर परफॉर्मिंग जॉब की एक वर्कर ऑन एन एवरी बच कितनी बार मूवमेंट करता है सेकेंड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट अब एज अ मैनेजर आपका काम किया है ये मूवमेंट्स को क्लासीफाई करना की कौन सा मूवमेंट प्रोडक्टिव है कौन सा मूवमेंट अनप्रोडक्टिव है ठीक है थर्ड फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स अब आपको कट भी करना तो करना है ना अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स तो अनप्रोडक्टिव ही है नाम से समझ में आ रहा है कि किसी के काम नहीं आते तो इनको रिमूव करना 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 है 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 एलिमिनेट मिनिमाइज फोर्थ टू डिजाइन सूटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ठीक है ऐसे टूल्स ऐसी मशीन ऐसे तरीके आपको डिजाइन करने हैं जिससे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स खत्म हो जाए जैसे एग्जाम्पल देता हूं पता है हम लोग बैंक में जाते हैं ठीक है या फिर आप कोई जनरल ऑफिस में जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि पेन या फिर स्टेपलर को ऐसे धागे से या रस्सी से बांध के रखा हुआ होता है मैं कभी कभी सोचता था कि दो रुपए का पेन चोरी होने का डर होता है इनको इतनी बड़ी बैंक है दो रुपए का पेन अफोर्ड नहीं कर सकते अब मुझे समझ में आता है कि नहीं हो सकता है शायद ये मोशन स्टडी के कारण हो ठीक है कैसे ये लोग अब ऐसा पेन तो बना नहीं सकते जो अपने आप अपने जगह पे वापस आ जाएगा नहीं तो इन लोग ने क्या किया रस्सी से वो पेन को बांध दिया सो so दैट जब कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है ना तो उसको पेन बार बार ढूंढना नहीं पड़े उसका पेन वहीं पे हो पेन खो जाएगा तो ही विल हैव टू टू वेस्ट टाइम फाइंड द पेन बट अब इन्होंने क्या किया इन्होंने पेन को एक रस्सी से बांध के फिक्स कर दिया है तो अब पेन की जो जगह होगी ना वो खोएगी नहीं सो द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट विल बी रिड्यूस्ड एंड फाइनली द प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ साइंटिफिक टेक्निक गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल है समझने में नाम है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम नाम से समझते हैं डिफरेंशियल मतलब अलग अलग डिफरेंट पीस मतलब काम वेज मतलब पैसा ठीक है और सिस्टम मतलब तरीका मतलब समझा देता हूँ यहाँ पे डब्ल्यू टेलर ने एक बहुत सिंपल टेक्निक दी थी मैनेजर्स को कि आपको हर एम्प्लॉय को अलग अलग पैसा देना अब आप बोलोगे सर ये तो फिर इक्विटी नहीं है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यहाँ पे तो वायलेट हो रहा है नहीं नहीं हो रहा है मैं समझाता हूँ कैसे नहीं हो रहा है डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम में एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि आपको एक स्टैंडर्ड आउटपुट सेट कर देना है अब ये स्टैंडर्ड आउटपुट भी मैनेजर की विल एंड विशेष के हिसाब से नहीं होना चाहिए वी डू नॉट हैम ठीक है आप ऑन एन एवरेज एक वर्कर को ऑब्जर्व करो और आप देखो कि ऑन एन एवरेज एक दिन में एक वर्कर कितना आउटपुट दे सकता है या फिर एक महीने में एक वर्कर कितना प्रोड्यूस कर सकता है तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड आउटपुट ठीक है अब जो भी वर्कर स्टैंडर्ड आउटपुट को अचीव करता है ना उसके लिए स्टैंडर्ड वेज है स्टैंडर्ड वेज ठीक है लेट्स से कि आपका स्टैंडर्ड आउटपुट निकलता है 100 यूनिट्स पर मंथ तो आपने क्या डिसाइड किया कि जो भी लोग 100 यूनिट्स पर मंथ बनाएंगे उनको हम टेन थाउजेंड रुपीज देंगे ठीक है तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड वेज अब यहां पे एफडब्ल्यू टेलर ने कहा था कि जो भी वर्कर्स 100 यूनिट से ज्यादा बनाते हैं वो आपके एफिशिएंट वर्कर हुए यानी वो ज्यादा बनाते हैं तो उनको ज्यादा पैसा देना है और जो भी एम्प्लॉयज 100 यूनिट्स भी नहीं बना पाते उससे भी कम बनाते हैं तो उनको कम पैसा देना है

पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू एफिशियंट एंड इनिशियंट एम्प्लॉय आपको बताया जो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं हंड्रेड से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे efficient workers. जो 100 से कम प्रोड्यूस कर रहे हैं इन एफिशियंट वर्कर्स हमें दोनों एफिशियंट और इन एफिशियंट वर्कर्स को अलग अलग पैसे देने हैं ठीक है एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशियंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट डेम टू रिमेन एफिशियंट अगर हम एफिशियंट एम्प्लॉयज को ज्यादा पैसा देंगे ना तो उनके पास में एक मोटिवेशन रहेगा एफिशियंट रहने का आप इमेजिन करो जो 90 बना रहा है उसको भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं 100 बनाने वाले को भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं और 120 यूनिट्स बनाने वाले को भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ वो 120 बनाने वाला एम्प्लॉय भी 90 पे आ जाएगा वो बोलेगा जब इतना ही काम करके सेम सैलरी मिलनी है तो मैं एक्स्ट्रा वर्क क्यों करूं ठीक है तो ये जो एक्स्ट्रा वेजेस उसको मिल रहा है ना वो उसको मोटिवेट करेंगे अगले महीने भी हंड्रेड यूनिट्स बनाने के लिए ठीक है थर्ड एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशियंट एम्प्लॉयज विल मोटिवेट द इन एफिशियंट एम्प्लॉइज टू कम इन द कैटेगरी ऑफ एफिशियंट एम्प्लॉयज इन एफिशियंट एम्प्लॉयज को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार ये बंदा सेम पोस्ट पे काम करता है ठीक है सेम टाइम काम करता है मैं भी आठ घंटे काम करता हूँ वो भी आठ घंटे काम करता है लेकिन उसको ज्यादा सैलरी मिलती है अगले महीने में उससे भी ज्यादा काम करके दिखाऊंगा तो मुझे उससे भी अच्छी सैलरी मिलेगी ठीक है इन एफिशियंट वर्कर्स को भी मोटिवेशन मिलता है फिर आगे क्या लिखा हुआ है वेन पेमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूसडमेटिकली द प्रोडक्शन बी मैक्सिमाइज एफिशियंट ऑलरेडी एफिशियंट है अब जो है, वो भी एफिशियंट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी का जो प्रोडक्शन है ना वो इंक्रीज होगा सिंपल सा लॉजिक है अब ये याद रखना मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन वही चीज नीचे लिखी हुई है दिस टेक्निक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर एम्प्लॉयज टू परफॉर्म एफिशियंटली ज्यादा पैसा मिलेगा एम्प्लॉइज काम क्यों करते हैं पैसों के लिए तो यहां पे टेलर ने क्या कहा आप अलग अलग लोगों को अलग अलग पैसा दो नॉट अकॉर्डिंग टू द विल एंड विश ऑफ द मैनेजर नॉट अकॉर्डिंग टू द रिलीजन और द रेस और दर सेक्स नहीं जो ज्यादा काम कर रहे हैं एफिशियंट एम्प्लॉय उनको ज्यादा पैसा दो कम जो काम करते हैं जो इन है उनको कम पैसा दो क्या होगा

ठीक है और रेवोल्यूशन मतलब चेंज मतलब मेंटल रेवोल्यूशन का मीनिंग हुआ दिमागी तौर पे आपकी चेंज यानी आपकी सोच बदलना अब ये सोच सोसाइटी के लिए नहीं है ये सोच ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन की है ठीक है हमने पहले भी बात करी थी इसके बारे में शॉर्ट में मैंने आपको पहले भी समझाया था कि देर आर टू ग्रुप्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन द वर्कर ग्रुप एंड द मैनेजमेंट ग्रुप अच्छा मैनेजमेंट ग्रुप को क्या लगता है कि वर्कर्स बेकार है वो मशीन्स खराब कर देते हैं काम टाइम पे नहीं करते लेजी होते हैं वर्कर्स को क्या लगता है कि मैनेजर सिर्फ हमें ऑर्डर देते हैं सारा काम हमें ही करना पड़ता है हम ओवरबर्डन है काम से और हमें पैसे भी नहीं देते इनफ ठीक है enough, तो ये दोनों जन हमेशा राइवल्स के जैसे रहते हैं एक दूसरे के राइवल्स का मतलब होता है एनिमीज ठीक है अब एक बात ध्यान रखो इफ देर आर ओनली टू ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन और वो दोनों ग्रुप्स अगर एनिमीज के जैसे काम करते हैं तो क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगी स नॉट वर्कर्स हमेशा कोशिश करेंगे कि मैनेजर्स को नीचा दिखा सके मैनेजर्स कोशिश करेंगे कि वर्कर्स को नीचा दिखा सके तो यहां पे टेलर ने कहा था कि हमें सोच बदलने की जरूरत है दैट मींस वी नीड अ रेवोल्यूशन रीड कर दें एक बार क्या लिखा हुआ है टेलर सेड दैट जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स फील दैट मैनेजमेंट एक्सप्लॉइड देम ओवरबर्डन्स देम विद एक्सेस वर्क एंड पेज लेस उनको क्या लगता है कि हमारा फायदा उठाया जाता है हमको एक्सप्लॉइड किया जाता है हमको ओवरबर्डन कर देते हैं काम से और उसके बदले में हमको पैसा बहुत कम करते हैं पे ठीक है ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट फील्स दैट वर्कर्स ऑलवेज ग्रम्बल यानी वो हमेशा सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं दे फॉलो गो स्लो पॉलिसीज यानी वो धीरे धीरे काम करते हैं उनके कंफर्ट लेवल पे वो काम करते हैं डैमेज द इक्विपमेंट्स यानी वो मशीन खराब कर देते हैं एंड वर्क केयरलेसली यानी वो अपनी मर्जी से काम करते हैं वो एकदम ध्यान ही रखते हैं मशीन चालू है या मशीन खराब हो रही है कुछ नहीं ठीक है बोथ द ग्रुप सस्पेक्ट ईच अदर यानी दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं ठीक है मैनेजमेंट को क्या लगता है कि ये लोग बेकार है गुड फॉर नथिंग वाले लोग हैं वर्कर्स को क्या लगता है सारा काम तो हम ही करते हैं उसके बाद में हमको पैसा मिलता है छोटा सा एकदम एकदम कम पैसे मिलते हैं हमको ठीक है इन द टेक्निक ऑफ मेंटल रेवॉल्यूशन टेलर स्ट्रेस दैट देयर इज नीड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ बोथ द ग्रुप्स ड्रास्टिकली यहां पे टेलर ने क्या कहा था मेंटल रेवोल्यूशन में कि यहां पे मुझे इतना समझ में आ रहा है कि दोनों ही ग्रुप्स को अपनी सोच बदलने की जरूरत है ठीक है ही रेफर टू चेंज एज अ रेवोल्यूशन इन्होंने जो चेंज होता है उसको नाम दे दिया revolution. कौन सा revolution? मेंटल revolution. इससे क्या होगा दोनों को एक दूसरे के लिए सोच बदलने की जरूरत है और दोनों ही ग्रुप्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे ठीक है द objectives ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन आर What आर द objectives ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन फर्स्ट चेंज इन मेंटल ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट ईच अदर दोनों ही ग्रुप्स का सोच बदलना एक दूसरे के लिए सेकेंड कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट अब दोनों की सोच बदल गई है तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कराना वर्कर्स और मैनेजर्स को आपस में कोऑपरेट कराना थर्ड रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशन और फ्रॉम द ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू थिंकिंग इन दोनों के ही मन में से खराब चीजें हटानी है जो सस्पेक्शन थे जो शक थे हमारे वो हमें हटाने हैं किसके मन में से मैनेजर्स के मन में से भी और वर्कर्स के मन में से भी ठीक है तो क्या तीन ऑब्जेक्टिव हो गए पहला हो गया दिमागी तौर पे एटीट्यूड चेंज करना यानी मेरी सोच बदलना दूसरा कोऑपरेट करना दोनों को मैनेजर्स को वर्कर्स के साथ में कोऑपरेट करना और वर्कर्स को मैनेजर्स के साथ में कोऑपरेट करना है थर्ड ये जो फीलिंग है सस्पेशन की यानी शक की ये सारे शक वाली फीलिंग को या प्रीजेड वाली जो फीलिंग है इसको हमें हटाना है सिंपल ये होगा हमारे पांच टेक्निक्स गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो